हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपका कार्यकाल क्या होगा, किस फील्ड में आपको नौकरी मिलेगी, किस दिशा में कार्य कर सकते हैं, देश विदेश की यात्रा का क्या योग बन रहा है, संतान सुख है या नहीं है, शत्रुओं की क्या स्थिति रहेगी, सारी बातें हम आपको बताएंगे। कोर्ट कचहरी में आज आपको क्या होने वाला उस पर भी बात करेंगे और हेल्थ आपका कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा उसके भी बारे में आज हम आपको बताएंगे। अपने संबंधों को कैसे ठीक करें उस पर भी बात करेंगे और आपका कार्यकाल क्या होगा, एजुकेशन के फील्ड में कुछ बड़ा करने वाला है, टेक्निकल फील्ड में कुछ बड़ा करने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन माइंस के फील्ड में कुछ बड़ा करने वाले हैं, स्कूल खोलने वाले, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपके संतान सुख कैसा रहेगा, पत्नी का सुख कैसा रहेगा, रोग और शत्रु की क्या स्थिति रहेगी, आय व्यय कैसा रहेगा, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से आज बताने वाले हैं। आपको क्या उपाय करना है भी बताएंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा और आप किसकी पूजा करें, क्या दान करें, ये सारी बातें बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनुराशि की। तो जो धनुराशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज आपको बड़ी नौकरी, उच्च पद मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई भी कंपटीशन देने, एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत होने का समय चल रहा है, संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप विदेश के लिए पढ़ाई करने जाना चाहते हैं विदेश में, तो आपकी एजुकेशन के सच्चे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो सकता है, बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए कालखंड आपका बहुत अच्छा है। माता पिता का सुख मिलेगा और यदि आप खेल के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो खेल के क्षेत्र में बड़ा कुछ लाभ पा सकते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आप नॉवेल लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, आप बड़े साहित्यकार हो सकते हैं, तो उस क्षेत्र में अगर आप मेहनत करते हैं तो आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यालय या जो भी आपने प्लान किया है, आपकी योजनाएं सफलीभूत होते हुए दिख रही है। शिक्षा के क्षेत्र से आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा, राइटिंग वर्क करने से आज आपकी पहचान बनेगी, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी के को नौकरी मिल सकती है, पत्नी को शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, उसका भी प्रबल योग बन रहा है। माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, थोड़ा सा आपको घबराहट बेचैनी होती है तो अपने को एकाग्र रखें और किसी प्रकार का टेंशन लेने से बचने की जरूरत है। हेल्थ पर सावधानी बरतें, वाणी पर नियंत्रण रखें, आप कटु भाषा बोलने से परहेज नहीं करते और टास्क ओरिएंटेड आप हार्डवर्किंग है, अगर टास्क नहीं है तो आप ग्रेट आलसी हैं, तो अपने को थोड़ा सा चैनलाइज करें, लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे तो आपको इच्छित सफलता मिलते हुए दिख रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी को सरकारी नौकरी, उच्च पद मिल सकता है, भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, धन धान की स्थिति बहुत अच्छी होगी और अज्ञात भय से मन आपका भयभीत रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अज्ञात व्यक्ति से कोई भी डील ना करें, लेन देन ना करें, तो आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको आपके लिए सावधानी क्या, आपके लिए उपाय कर क्या करना है, उपाय में करना है कि आज आप भगवान विष्णु जी को केला और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, ओम लक्ष्मी नारायण अभ्यो नमः इस मंत्र का जप करें या ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और पीला खिचड़ी मंदिर में दान करें आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है हल्दी कलर, आपके लिए सारे कलर बड़े अच्छे रहेंगे, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। हरे कृष्ण।